नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ, सीनियर कंसल्टेंट एवं क्लिनिकल लीड डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी और जीआई ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली। अक्सर लोग जिनको पित्त की थैली में पथरी होती है वो मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कि अगर पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाता है, मेरी गॉल ब्लैडर हट जाता है, तो क्या मेरी उम्र कम हो जाएगी या मेरे को जो मेरी जीवन शैली है उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो मेरा उनको जवाब होता है कि नहीं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न था कि मेरी उम्र कम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पित्त की थैली जो हमारे शरीर में होती है वो एक प्रकार का ऑर्गन होता है जो हमारा फैट, जिसको हम फैट बोलते हैं, उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है। वो पित्त को स्टोर करता है, जब फैट आप खाते हैं तो पित्त को रिलीज़ करता है। जैसे ही आपका गॉल ब्लैडर पथरी की वजह से प्रॉब्लम दे रहा होता है, हम उसको हटाते हैं, उसके बाद यह क्रिया आपके लिवर, जिगर के द्वारा ले ली जाती है, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होती। जहाँ तक आपका कहना है कि मेरी जान का सवाल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे जान को कोई खतरा नहीं है। सेकेंड, जीवन शैली में इससे कोई फ़र्क नहीं आता है। हमने अक्सर देखा है पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद कुछ मरीज़ होते हैं जो हमें सिर्फ एक समस्या के बारे में बताते हैं कि मेरे को बार बार शौच के लिए जाना पड़ रहा है, दिन में 3 से 4 बार मेरे को लूज स्टूल्स हो रहे हैं। पर यह भी प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है, 15 से 20 दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये पूरे तरीके से ठीक हो जाती है, और इतने समय के बाद आप बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बल्कि जो डाइट आप पहले नहीं ले पा रहे थे, खासकर जिसमें आप फैटी फूड जिसको हम बोलते हैं वो आप नहीं ले पा रहे थे, वो इस ऑपरेशन के होने के बाद आप ले सकते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कि इस पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद आपकी जीवन शैली में सुधार ही आएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।